लता जी हैव नीडेड अ राज कपूर एंड शंकर जय किशन एंड अ शैलेंद्र, ये टीम एफर्ट है ना। पिक्चर किसी इंडिविजुअल टैलेंट नहीं होती है, कलेक्टिव टैलेंट भी होती है कि सब एक लेवल के आ जाते हैं। इतने लेवल का जो टैलेंट है ना वो फोड़ के निकलता है, इसलिए कि वो उसको उसको आप रोक नहीं सकते। उसको नहीं रोक सकते आप। वो जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अपना फूल है, गुलाब का या कोई फूल है, उसमें से खुशबू लोगों को मिलती है ना, पास खड़े रहने वालों को मिलती है, दूर खड़े रहने वालों को मिलती है, खुशबू तो है। जब उसमें खुदा ने उसमें खुशबू दी है तो लोगों को मिलती है। इसलिए कि इतना बड़ा जो टैलेंट है जो खुदा ने दिया है, तो वो तो डेफिनेटली निकलेगा ही निकलेगा बाहर। और वेरी इंटरेस्टिंगली लोग हमेशा समझते हैं कि आशा वॉज द मोर वर्सेटाइल से इज द मोर वर्सेटाइल सिंगर। लता जी एक प्रकार की प्योरिटी उनके वॉइस पे थी, पर जब हेलन जी एक का एक गाना है जाने जा, अब कई लोगों को लगता है वो आशा जी का गाना है, लेकिन इट इज संग बाय लता जी। सो अ सिंगर कैन डू वेरियस थिंग, वो ट्रूली ऑलराउंडर होते हैं। वो है, उनकी आवाज़ में था, किसी भी रेंज पर गा सकती थी वो। इवन उस मामले में ये रफ़ी साहब भी जिस जगह तक जाते थे वहाँ बहुत कम लोग जा सकते हैं। बट आई कम बैक टू इट, आपने कहा कि अब उस तरह के सिंगर्स नहीं हो सकते। इज इट बिकॉज कि अब हम सब डिजिटल एज आ गया है, उस तरह की सुर की प्रैक्टिस नहीं, क्या वजह? व्हाई शुड वी नॉट हैव अनदर रफी, व्हाई शुड वी नॉट हैव अनदर लता? जैसे आपने कहा गावस्कर टू तेंदुलकर टू कोहली टू हुएवर इज द नेक्स्ट ग्रेट क्रिकेटर, एक परंपरा है, एक तरह से एक ट्रेडिशन बन गया है। उसकी वजह मैं तो सिर्फ यही सोचता हूँ कि वो जो डेडिकेशन होता है टैलेंट के साथ जी वो नहीं है। डेडिकेशन, हाँ बिल्कुल, एक वो होता है कि उसके पीछे लग जाते हैं कि इसके वहाँ तो एंड तक पहुँचा के रहेंगे इसको। आप कभी बैठते थे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में और सुनते थे किस तरह से आपके पिक्चर में या किसी और के पिक्चर में सुनते थे किस? हमारा बहुत इन्वॉल्वमेंट होता था हमारा हर जगह, बल्कि लोग उस इन्वॉल्वमेंट को समझते थे इंटरफेरेंस। आई सी, हाँ तो थोड़ा कंफ्यूज करते थे, हमारे इन्वॉल्वमेंट होता था। हाँ एंड वी यूज टू गेट इन्वॉल्व कि कौन ये रोल करेगा, कौन क्या करेगा वो रोल, उसके लिए भी कास्टिंग के अंदर भी ऑल दैट। सो यू वुड बी इन्वॉल्वड इन वॉचर्स इन द रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, स्टूडियो, वी यूज टू बी इन्वॉल्वड इन एवरीथिंग। यू नो द रीजन आई एम ट्राइंग टू डू दिस इज, मैं आज के व्यूअर्स को उस जमाने के पिक्चर्स किस तरह से बनते थे उसका एक आई एम ट्राइंग टू गिव देम अ सेंस, क्योंकि आज के जमाने में मुझे लगता है लोग नहीं जानते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स किस तरह से बनते थे। आपने गुरुदत्त का नाम लिया और उन गुरुदत्त साहब के पिक्चर में भी सॉन्ग पिक्चराइजेशन क्या हुआ करती थी। डांटते थे डायरेक्टर, डांटते थे डायरेक्टर, कहाँ से पकड़ के लाए हो इसको, ये अच्छा हाँ इतना मैंने भी फेस किया है। वो मैं एक पिक्चर में काम कर रहा था दीवाना, तो उसमें मेरे को विलन के लोगों ने आके घेर लिया है, तो मेरा एक उसमें शॉट था कि मैं घबरा गया हूँ और मैं ये गल्प करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने एक शॉट लिया रखा शॉट और मुझसे कहा कि चलो खाएंगे, तो राज साहब के आने वाले थे तो उन्होंने कहा वो शॉट पे ले लो। तो राज साहब का वहाँ से निकल गए हैं, चेंबूर से आ रहे हैं, तो कहने वो शॉट ले लो। तो महेश पाल साहब क्या करेगा, मैं ये करूँ, फिर वो इधर चले जाएँ, कहीं चले जाएँ, कुछ ऑर्डर दे दें, कुछ वो कर दें, कुछ काम कर रहे, फिर क्या करेगा, मैं यूँ करूँ। अब वो ये जो चीज़ है ये बनी हुई है कि खाने के वक्त भी मेरे ख्याल से 25 मरतबा ज़्यादा यूज़ होती होगी ये। मैं सुबह से खड़ा खड़ा गर्मी में रंजीत स्टूडियो में क्या करेगा ये करेगा। अब अल्टीमेटली राज साहब आ गए कहने जल्दी से शॉट लो, तो जब शॉट लेने के लिए उन्होंने कहा एक्शन, तो मैं मेरे से हो ही नहीं रहा था, वो जान ही रहा था, तो आके मुझसे कहा कि यू आर वन एक्टर हु कांट इवन सॉलो। बट यू थिंक दैट द एक्टर्स एंड द सिंगर्स लाइक लता जी प्रैक्टिस्ड मोर, उनकी रिहर्सल ज्यादा हुआ करते थे कंपेयर टू द सिंगर्स एंड एक्टर्स ऑफ टुडे? सारी जिंदगी उनकी उसमें ही थी, वो जो थी वो इतना She was totally immersed in the world of music. ऑब्सेशन हुआ करता था।
क्या आपको लगता है दैट इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, कि जब तक आप उस तरह के ऑब्सेसिव ना हो या पैशन ना हो? नहीं, उस लेवल की सक्सेस, जिस लेवल की सक्सेस कहने मिली है, उसके लिए तो डेफिनेटली वो चाहिए ऑब्सेशन. विदाउट एन ऑब्सेशन ऑफ दैट काइंड यू कैनॉट. आई हैव जस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स, मैं फिर से आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपने इतनी पिक्चरें देखी है, कोई तो फेवरेट सॉन्ग होगा जिसको आप सुनते हैं कभी रात को कभी? सर, इसमें इस इशू पे इतनी है कि वो कंफ्यूज हो जाता है आदमी. इतनी अच्छी अच्छी इफ एनी वंस दैट यू रिमेम्बर, आपने एक तो कहा आएगा आएगा आने वाला, जो महल का गाना है, आपने अपने राज कपूर के उस ऑडियो में ये रात भीगी भीगी, जो इज अ सुपर्ब सॉन्ग, यू नो, ब्यूटिफुली पिक्चराइज्ड, प्यार हुआ इकरार हुआ, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट्स, मुझे वो बहुत पसंद है. हाँ. ओ बसंती वन पागल, ना जा रे ना जा रोको कोई, ओ बसंती. ब्यूटिफुल, यू आर अ गुड सिंगर सलीम भाई. अरे सर, बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ. यानी मुझे लगा केवल आई नो नाउ वेयर सलमान इज गेटिंग हिज टैलेंट. सलमान्स टैलेंट इज ओनली हाफ ऑफ योर टैलेंट. पर यू नो, आपने अभी जो गाना गाया, यू नो, टू टेक द वॉइस टू दैट लेवल, ओ बस, यू नो, ही शी टेक्स इट टू अनदर लेवल, यू नो, दैट्स द ब्यूटी इन अ वे ऑफ लता मंगेशकर. आपने कहा कि यू कैनॉट यूज एडजेक्टिव्स फॉर हर बिकॉज वी हैव रन आउट ऑफ एडजेक्टिव्स. बिल्कुल. बट नाउ एज वी, और मैंने देखे भी हैं इंटरव्यू, जब लता जी का बात आती थी तो कहते क्या क्या आप उनके बारे में बात करें, कौन सी ऐसी बातें जो उनके बारे में नहीं कही है लोगों ने, ये सब जितने ये बोल चुके हैं, ये बोल चुके हैं, ये बोल चुके हैं, सब बोल चुके हैं. बट एज यू कंक्लूड, हाउ विल यू लाइक टू रिमेंबर हर बेस्ट, बिकॉज एज यू सेड यू स्टार्टेड फ्रॉम इंदौर, क्रिकेट कनेक्शन, म्यूजिक कनेक्शन, ये आपकी फेवरेट लता जी की कोई याद अगर हो तो, एनी यादें, या उनको अपने गानों से ही आप याद करें? ये जब ये लिखा था ये ट्रिब्यूट, तो ये उनको भेजी थी ये ट्रिब्यूट, ये राज कपूर की, तो उन्होंने दो या तीन दिन बाद उसको सुना, उनका उन्होंने भेजा था ये, और सुनने के बाद फ़ोन किया उन्होंने, और फ़ोन करने के बाद कहा कि आज आपने मुझे रुलाया है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ आज, तो कह रहे वो मैंने सुना आज, और वो देख के वो सुन के मैं रोई, और इसलिए कि वो मेरे ज़माने में हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा था ये सब मैं देख रही हूँ, इसकी पिक्चर देख रही थी. राज कपूर की बायोग्राफी के जरिए आपने लता जी को रुलाया. सलीम भाई, आपने तो बड़ी चीज़ कर दी, लता जी ने जवाहरलाल नेहरू को रुलाया था, ए मेरे वतन के लोगों के साथ, आपने लता जी को रुलाया, आपने इस ऑडियो जो आपने राज कपूर पर बनाया, दैट इज योर जीनियस. थैंक यू.